बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र स्थित पीरिया के जंगलों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सलियों के शवों को बीजापुर लाया जा चुका है। इन शवों को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बीजापुर के पुलिस लाइन में लाया गया। दरअसल गंगालूर क्षेत्र थाना अंतर्गत पीडिया के जंगलों में माओवादियों के बड़े कैडर पश्चिम बस्तर डिवीजन के एसजेसी लेंगू माओवादी के लीडर पापा राव दरभा डिवीजन वेल्ला सहित कई बड़े लीडरों के होने की सूचना थी। इस पर दंतेवाड़ा बीजापुर और सुकमा जिले से डीआरजी सीआरपीएफ कोबरा और बस्तर फाइटर के लगभग 1200 जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान कर भेजा गया। शुक्रवार की सुबह के तड़के 6 बजे से पीडिया के जंगलों में ये मुठभेड़ चालू हुई जो लगभग शाम 6:30 बजे तक समाप्त हुई। इलाके में सर्चिंग के दौरान 12 नक्सलियों के शवों के साथ बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। पूरी घटनाक्रम पर बस्तर आईजीपी सुंदरराज डीआईजी कमलोचन कश्यप सहित 3 जिलों के एसपी सहित पुलिस के बड़े अधिकारी नजर बनाए हुए थे। वहीं सुरक्षा बलों को मिली सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बधाई दी। आज बीजापुर जिले के गंगलूर एरिया में पीड़िया थाना क्षेत्रांतर्गत आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। डीआरजी के बीजापुर की टीम और दंतेवाड़ा की टीम साथ में एसटीएफ की टीम कोबरा बटालियन ये सब मिलकर के हजार की संख्या में लगभग सर्चिंग के लिए निकले थे। एक मुठभेड़ हुआ है जिसमें मैं सोचता हूँ कि 10 के आसपास की संख्या ऐसी है जिसमें नक्सली मारे गए हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि कोई भी हमारा जवान हताहत भी नहीं हुआ है। कोई चोट एक आईडी के चपेट में आने से एक छोटी चोट एक जवान को है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। फिर भी मैं इस बात की अपील सभी से करता हूं, इस बात का हल नक्सलिज्म का, इसका हल नक्सलवाद की इस काली छाया का हल बातचीत के आधार पर निकलना चाहिए। बस्तर में गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं बन सकते, इस बात को सबको समझना चाहिए। क्यों बस्तर के लोगों को बहुत दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाए, इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए, चाहे एक नक्सली हो, छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, सरकार हाथ जोड़ करके चर्चा करने के लिए तैयार है। विष्णुदेव जी की सरकार पालनहारी सरकार है और सभी लोग जो सरेंडर करेंगे अच्छे रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी के साथ सरकार काम कर रही है। आगे आने वाले समय में उसकी उचित घोषणा भी कर दी जाएगी और इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उनको चाहिए कि मुख्य धारा में आए। युवा जो भटक गए हैं, जिनको भ्रम में रखा गया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा में आए और सुख शांति बस्तर में आए। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर, ये सब कुछ होने चाहिए, मौलिक आवश्यकता है आजकल की। सर डेमोग्राफी अनुकूल